दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा मोबाइल आया है मेकोमैक्स का, V3 चार्जिंग पिन ख़राब है। इसमें हम नया चार्जिंग पिन लगाने वाले हैं लेटेस्ट फ़ोन के। अभी हम फ़ोन को खोलते हैं। ये फ़ोन हमारा खुल गया है, इसमें V3 चार्जिंग पिन लगा हुआ है। ये काफ़ी ओल्ड फ़ोन है, अब इसकी चार्जर भी नहीं मार्केट में उपलब्ध है। अब हम इसमें लेटेस्ट फ़ोन के चार्जिंग लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी हम ये पहले फ़ोन का मदरबोर्ड बाहर निकालते हैं, उसके बाद डिस्प्ले को अच्छी तरह से रबड़ लगा देते हैं, नहीं तो टूट जाता है। और अब हम इसमें जो ये पिन लगा हुआ है, ये काफ़ी पुराना पिन है, मार्केट में अभी ये पिन नहीं मिलते हैं। अब हम इसके अंदर जो पिन लगाएंगे वो लेटेस्ट फ़ोन के पिन लगाएंगे। कीपैड का पहले टिकली वाला निकाल लेते हैं, इससे हीट करने पे कभी कभी ये ख़राब हो जाता है और कीपैड काम नहीं करता है। अब हम हॉट गन से कीपैड फ़ोन के चार्जिंग पिन निकालते हैं। पहले इसे अच्छी तरह से एक जगह बैठा के टाइट कर देते हैं, क्योंकि हीट दूसरे जगह लगने से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है फ़ोन में। अभी हम इस पे पेस्ट लगा देते हैं। पेस्ट लगाने से काफ़ी अच्छी तरह से ये निकलता है चार्जिंग पिन, नहीं तो फिर प्रिंट डैमेज हो जाता है, उसके कारण फिर ये बहुत प्रॉब्लम होते हैं इसको रिपेयर करने में। अभी हॉट गन से हम इसे गर्म करेंगे और गर्म करके निकालेंगे चार्जिंग पिन को। ये चार्जिंग पिन हमारा निकल गया है। अभी अब हम इसके अंदर एक लेटेस्ट फ़ोन के चार्जर पिन लगाएंगे, जो मार्केट में अच्छी तरह से उपलब्ध है। पहले तो इस बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करने से क्या है, कहीं शॉर्टिंग वगैरह रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो चार्जिंग पिन निकाले हैं उसे सोल्डर के माध्यम से अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करने से ये रहता है कि प्रॉपर चार्जिंग पिन अच्छी तरह से बैठ जाता है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होता है हीट करने से। कभी कभी बोर्ड भी हल्का सा जल जाता है, जिसके कारण प्रिंट डैमेज हो जाता है। इसे अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद अब हम इसमें नया चार्जर बैठाएंगे। पहले तो चार्जर को ऊपर दो जम्पर मारेंगे, जो चार्जिंग पिन को हम इस मोबाइल में जम्पर मारेंगे। पहले अच्छी तरह से ये जम्पर लगा लेते हैं, उसके बाद इसे मदरबोर्ड में फिट करेंगे। अब हमारा ये चार्जिंग पिन में जम्पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको मदरबोर्ड में फिट करेंगे। मदरबोर्ड में हॉट गन से इसे अच्छी तरह से फिट करेंगे, उसके बाद अब हम इसके अंदर बैठा देते हैं चार्जिंग पिन को मोबाइल के अंदर। ये हमारा चार्जिंग पिन ब्लोअर के माध्यम से बैठ रहा है इसके अंदर। ये हमारा चार्जिंग पिन अब बैठ गया है इसके अंदर। अब हम इसमें दो जम्पर जो मारे हैं
दूसरे जंपर को अब हम एक को तो पहले कहीं ग्राउंड में अटैच करेंगे जो राइट साइड है उसे ग्राउंड में टच करेंगे और लेफ्ट साइड वाले को 700 की रेंज पे वहाँ पे इसे जंपर मारना पड़ेगा। अभी हम आपको पहले तो ग्राउंड वाले को जंपर मार के उसके बाद ये 700 की रेंज पे ये हमारा मीटर का दूसरा जंपर मारते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये जंपर कहाँ मारेंगे। अभी ये हमारा ग्राउंड वाला जंपर है, ग्राउंड से हो गया है। ग्राउंड का जंपर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको दूसरा जंपर बताते हैं कहाँ पे लगेगा। उससे पहले आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा 700 की रेंज पे ये हमारा दूसरा जंपर लगेगा। ये हमारा 700 की रेंज हमें मालूम पड़ गया है कि हमारा दूसरा जो वायर है वो जंपर कहाँ होएगा। चलो अभी हम पहले इसे भी जंपर वहाँ पे मारेंगे, उसके बाद हम चार्जिंग पिन को इसके अंदर प्लगिंग करके चेक करेंगे कि हमारे बैटरी वोल्टेज पे बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अभी हमारा ये दूसरा जंपर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से चार्जिंग पिन को इसके अंदर फिटिंग करके सोल्डर मार देंगे। उसके बाद हम मल्टीमीटर से अभी चेक करेंगे कि हमारा जो चार्जिंग पिन का आउटपुट वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं। चलो चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये हमारा भी हम देख रहे हैं, इसमें हमारा ये चार्जिंग पिन का जो वोल्टेज है ये देखो, यहाँ पे जो है दूसरा जंपर हमने मारा है चार्जिंग पिन में, जो दो जंपर मारे थे ये इतने वोल्टेज पे 625 वोल्टेज पे हमने ये जंपर को मारा था। अभी हम चार्जिंग पिन प्लगिंग करके इसमें दिखाते हैं आपको कि हमारा बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अभी हम दिखाते हैं आपको, देखो ये हमारा जो बैटरी कनेक्टर का VSS वोल्टेज है वो आ रहा है। ये कंप्लीट हो गया है हमारा चार्जिंग। अभी हम आपको दिखाते हैं बैटरी लगा के इसके अंदर चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, इस तरह आपको नए नए लेटेस्ट मोबाइल के बारे में हम रिपेयरिंग की वीडियो दिखाएंगे। अब ये बैटरी लगा के हम आपको दिखा देते हैं इसमें चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। ये हमने
चार्जर इसके अंदर प्लगिंग कर दिया है और हमारा मोबाइल ये सक्सेस हो गया है, चार्जिंग होने लगा है। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।